माता दी फ्रेंड, आज मैं आप लेडीज के लिए ये थंब वाली सॉक्स लेके आई हूँ, लॉन्ग वाली। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये मैंने 7-8 नंबर पाँव के लिए बनाई है। तो इस पे मैंने 51 फंदे डाले हैं और एक फंदा उल्टा एक सीधे का हमें बॉर्डर बनाएंगे। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ से। इसका बॉर्डर बना देंगे एक उल्टे का एक सीधे का। एक उल्टा एक सीधा इसका इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे और दो दो सिलाइयां लगाएंगे दोनों कलर की इस तरह से और ये बॉर्डर बना देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 बार हमने ये बीच में कलर लगाया, 4 बार ही हमने ब्राउन कलर लगाया और एक ये हमारा। तो ये बना लीजिए इतना, फिर आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये बॉर्डर बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजाइन बना लिए मैंने। अब हम अंगूठा एडी बनाएंगे। ये देखिए बहुत इजी तरीके से मैं एडी बनाना बताऊंगी आपको। ये बहुत इजी बनती है इसलिए मैंने ए वाली एडी बनाई है। तो यही मैं आपको बनाना बताऊंगी। अब दूसरी वाली एडी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उसको बिगनर आसानी से फंदे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो ये वाली 14 फंदे हम बनाएंगे इसके। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब हम यहीं से पीछे मुड़ेंगे, इन्हीं 14 फंदों को हम 18 सिलाइयां बनाएंगे उल्टी सीधी। ये हमारी दूसरी सिलाई, इस तरह से हमें 18 सिलाइयां बना लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ मैं। अब देखिए फ्रेंड, ये 18 सिलाइयां लगा ली मैंने और 19वीं सिलाई पे हम ये वाले फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए ए वाले फंदे हमने यहाँ से बंद कर दिए। अब जो सिलाई वाली साइड है वहाँ से हम जितने फंदे हमने बंद करे उतने फंदे हम यहाँ से उठा देंगे। तो 13 फंदे हमने बंद करे तो 13 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। 10 11 12 13। और यहाँ से एक हो गए हमारे 14। अब यहाँ पे कोई छेद नहीं आएगा। अब यहाँ से हम पूरी सिलाई सीधी बना देंगे दूसरे कोने तक और फिर दूसरे कोने पे फिर से हमने इसी तरह से 14 फंदों की एड़ी बनानी है।
देखिए, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह। अब फिर से इन्हीं 14 फंदों को हम 18 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर ऊपर वाले 13 फंदे बंद करके इस वाले साइड वाले फंदे उठाएंगे और इसी तरह से फिर हम वही डिजाइन फिर बनाते जाएंगे। उसके बाद ये ब्लैक ब्राउन के बाद फिर रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, 21 लाइनें इस तरह से बनाएंगे हम। ये देखिए, और फिर मैं अंगूठे बनाना बताऊंगी। ये एडी बनाने के बाद फिर हमने यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे इस वाले कलर को और फिर यहाँ से वैसे ही सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते जाएंगे। अब इन्हें 14 फंदों को बनाएंगे। पहले हम एडी दो दो सिलाइयाँ हैं हर एक दोनों कलर की, तो ये बना लीजिए, फिर मैं आगे अंगूठे बनाना बताऊंगी आपको। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एडी बना ली, वैसे फंदे उठा लिए हैं और आगे वाले फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना देंगे। और आगे दिखाती हूँ मैं, दूसरा कलर हमने आगे से लगाना है। अब देखिए, ए वाला कलर हमारा यहाँ पे बचा है, यहाँ से हम इसको आगे लेके जाएंगे कोने तक इस तरह से लपेटते हुए इसके साथ आगे तक लेके जाएंगे। अब यहाँ से हम दूसरे कलर की दो सिलाइयाँ लगाएंगे और वैसे ही डिजाइन बनाते जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हमने ये रेड कलर लगाया है और उसके बाद फिर अंगूठे बनाए हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से बना देंगे 11 डिजाइन इसके और 11 ही दूसरे के और फिर अंगूठे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया डिजाइन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अब देखिए, ये वाली सॉक्स मैंने राइट साइड वाली बनाई है तो यहाँ पे अंगूठा बनाया है और ये वाली हम लेफ्ट साइड बनाएंगे तो ये वाली यहाँ अंगूठा बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है, एक साइड हम पहले जिस साइड हम अंगूठा बनाएंगे वो हम अब दूसरी साइड बनाएंगे। तो पहले 20 फंदे हम अंगूठे के बनाएंगे सीधे सीधे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये 20। अब इन्हीं 20 फंदों को हम 16 सिलाइयाँ बनाएंगे। एक सिलाई होगी हमारी, ये दूसरी, सीधी उल्टी 16 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद। अब फ्रेंड, 15 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ से हम
इस तरह से चार फंदे का एक बना देंगे और दूसरे कोने पे भी इसी तरह से चार फंदे का एक कर देंगे। अब इन चार फंदों का हम एक कर देंगे। यहाँ पे भी 16वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए इस वाली सिलाई पे हम ये जो हमारा पहला फंदा है इसके ऊपर सभी फंदों को इस तरह से उतारते जाना है हमने। ये वाली सिलाई हमने बनानी नहीं है, सिर्फ इन्हीं फंदों को इसके ऊपर से उतारना है। और एक बार इस वाले फंदे को सीधा बना देना है इस तरह से। और यहाँ से हम धागा काट देंगे और इसके अंदर से एक बार इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पे टाइट से इस तरह से खींच के गांठ लगा देंगे। और ये देखिए हमारा अंगूठा कंप्लीट है। अगर फ्रेंड आपका छोटा अंगूठा है तो यहाँ पे आप 13-14 सिलाइयाँ लगा सकते हो। अब देखिए अब हम दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अब इस तरह से सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चौदह फंदे हम इस साइड करेंगे, 14 इस साइड और बीच के तीन फंदों को अब इस तरह से बनाएंगे, 3 का 1 बनाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर से उतार देंगे। अब उल्टी सिलाई हम फिर पूरी उल्टी बनाएंगे और सीधी सिलाई पे एक बार फिर बताती हूँ। अब एक बार फिर देख लीजिए फ्रेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पहले हमने 14 बनाए थे अब हम 13 बनाएंगे। और ये हमारा बीच वाला फंदा है तो इसके दोनों साइड के फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमें 15 सिलाइयाँ बनाएंगे और 16वीं सिलाई पे फिर मैं इसको बंद करना बताऊंगी आपको। इस तरह से बनाते जाइए दोनों साइड से, उल्टे सिलाइयाँ उल्टी और सीधी सिलाई पे इस तरह से बनाएंगे तो हमारी साइड पे इस तरह से ये धारी बन के आएगी। तो ये बना लीजिए इतना। अब देखो फ्रेंड, यहाँ से आगे हम 15 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारे पास है 15 ही फंदे बचे हैं टोटल, तो इन फंदों को हम इस तरह से बंद करेंगे। अब एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे और इन 15 फंदों को इसी तरह से बंद कर देंगे और फिर इसके बाद हम सिलेंगे इसको। तो ये मैं बंद कर लेती हूँ, फिर सिलना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, सिलेंगे हम इसको तो इस तरह से, यहाँ से शुरू करेंगे हम सिलना इस तरह से और एड़ियाँ मिलाते हुए। ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे एड़ियों को, ए कोना और ए वाला कोना इस तरह से।
और यहाँ तक सिल लेंगे हम इसको, यहाँ से यहाँ दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए इस तरह से हम नीचे तक इसको सिल देंगे। नीचे एड़ियां दिखाती हूँ मैं फिर। अब देखिए फ्रेंड एड़ियां सिलेंगे हम, तो इनको भी हम इसी तरह से सिल देंगे बराबर मिलाते हुए। देखिए कोने से कोना मिलाएंगे, ये वाला कोना और ये वाला, और इसी तरह से आगे तक सिल देंगे। फिर अंगूठे सिलना बताती हूँ मैं आगे। अब इसके बाद हम इस तरह से सिलेंगे इसको। पहले हम एक साइड सिलेंगे अंगूठे वाली, इस तरह से ऊपर तक सिल देंगे, और इसके बाद फिर दूसरा पार्ट सिलेंगे। और ये जो बचा हुआ धागा है इससे यहाँ पे गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और यहाँ से हम काटेंगे नहीं, इसी तरह से अंदर से ही धागा नीचे लेके चले जाएंगे। और अब ए वाला पार्ट भी सिल देंगे। इस तरह से मिलाते हुए और इस कोने से यहाँ से धागा काट देंगे। अब दो बार लपेटेंगे और काट देंगे धागा। और इसके बाद फिर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ किस तरह से बन के आई है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागे बचे हों वो हम काट देंगे। अरे देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सॉक्स बनके तैयार हो गई है हमारी। देखिए अंगूठा, ये लेफ्ट साइड वाली और ये राइट साइड वाली, इस तरह से बनके आएगी। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।